हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। तो देख लीजिए, ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच रखें, इसकी चौड़ाई जो है 10 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 रखें, आर्म होल की भी 5.5 ही है, 2.5 इंच की चौड़ाई देते हुए मैं गले की मार्किंग कर रही हूँ। अपने अकॉर्डिंग 2.5-3 पे मार्क कर सकते हैं। नीचे के साइड से 3 इंच की चौड़ाई रख रहे हैं। यहाँ से मार्क करके दोनों मार्किंग को बराबर करते बराबर में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब गले की लेंथ लेंगे तो मैं 10 इंच रख रही हूँ। अपने अकॉर्डिंग 10 जितना डीप नेक पहनना चाहते हो तब मार्क कर सकते हैं। अब गले की मार्किंग हो चुकी है, यहाँ से मटका शेप में मार्क करेंगे। अब जिस तरीके से गले की मार्किंग की, सेम मार्किंग के ऊपर से गले को कट कर लीजिएगा। अब इसके साथ में ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक लेंगे। तो अस्तर भी मैंने गले को कट कर दिया, ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक के लिए है। अब इसके भी कटिंग ऐसे ही करेंगे जैसे अस्तर का किया है। तो दोनों मैंने गले को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कट कर दिया। दोनों को बराबर में रखेंगे और एक सिलाई लगाते हुए पूरे गले की स्टिचिंग करेंगे। तो मैं गले को अस्तर और ब्लाउज़ के फैब्रिक को कैसे ज्वाइंट करी आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा। तो ये गले की स्टिचिंग हो चुकी है। इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे पूरे गले पर। जब इसको पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन बिल्कुल शेप एंड साइज़ में आ जाएगा। तो कट लगा लिए, अब इसको पलट कर सीधा कर देंगे। तो ये गला सीधा हो चुका है। इसको हाथों से थोड़ा प्रेस करने के बाद फिर इसके ऊपर से एक सिलाई लगाते हो, इसकी पूरी फिनिशिंग दे देंगे। तो कम्प्लीटली देखिए उभर कर गला दिखने लगा है आपको मटका शेप में। इस तरीके से बना लीजिएगा। ब्लाउज़ की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर रखेंगे और इसके साइड से सिलाई लगाते हुए पूरे ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। तो किस तरीके से मैं अस्तर और ब्लाउज़ के फैब्रिक को ज्वाइंट कर रही हूँ, इसी तरीके से साइड से सिलाई लगाते हुए पूरा अच्छे से इसको ज्वाइंट कर दीजिएगा। ये कम्प्लीटली ऑलराउंड स्टिचिंग ब्लाउज़ की हो चुकी है। नीचे के साइड से टक्स की स्टिचिंग करना है। दोनों साइड से बराबर माप लेते हो टक्स को लगाएंगे। तो एक साइड से माप लेते हो टक्स को लगा लिया, दूसरे साइड से माप लेंगे और टक्स को लगा देंगे। तो मैंने दोनों साइड से माप लेते हो टक्स को लगा दिया। नीचे के साइड का बॉर्डर बनाने के लिए फैब्रिक कट करेंगे। तो ये अस्तर का फैब्रिक कट के इसको बराबर रखेंगे नीचे के साइड से और ब्लाउज के साथ में इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो क्लियर आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा मैं कैसे इसको ज्वाइंट करूँ। इसी तरीके से फैब्रिक को बराबर रखते हुए ज्वाइंट कर दीजिएगा। अब ये जो फैब्रिक ज्वाइंट के इसको फैलाएंगे, फिर इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी फिनिशिंग कर देंगे। तो फिनिशिंग की स्टिचिंग हो चुकी है। इस पट्टी को डबल फोल्ड करना है, फिर ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते हो, नीचे का स्टिच करते हो, बॉर्डर बनाएंगे। तो ये ब्लाउज़ का बॉर्डर जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इसी तरीके से क्लियर बनाइएगा। तो ये कम्प्लीटली बन चुका है ब्लाउज़ मेरा। अब इसके गले पे डिज़ाइन करेंगे। तो ब्लाउज़ साइड रखते हैं और मैंने देख लीजिए डिज़ाइन बनाने के लिए कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट के इनकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच रखें। इनको 4 पार्ट क्रॉसिंग में फोल्ड करेंगे और साइड से इसके फोल्डिंग करते इस तरीके से डिज़ाइन बना के नीचे के साइड से सिलाई लगा देंगे। ऐसे में आपको ये कुछ डिज़ाइन इसके बना के दिखा रही हूँ। और सारे डिज़ाइन सेम ऐसे ही बनाए जाएंगे जैसे मैं ये डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ। तो मैंने आपको ये कुछ डिज़ाइन बना के दिखा दिया और सारे डिज़ाइन वैसे ही बना के मैंने कटिंग करके इनको साइड रख लिया है और न्यूज़पेपर ले इसको डबल फोल्ड करके रखे। इसके ऊपर ब्लाउज़ को भी डबल फोल्ड करके रख देंगे और ब्लाउज़ का गला जिसके अकॉर्डिंग है इसी बराबर में ही न्यूज़पेपर के ऊपर मार्क कर देंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग ले लीजिएगा जो डिज़ाइन के ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर डिज़ाइन करेंगे। तो मैंने देखी कटिंग है न्यूज़पेपर की कर दी है। अब इसके साथ में डिज़ाइन को अटैच करेंगे। तो डिज़ाइन ले लेते हैं और साथ में बिल्कुल बराबर में ही रखते हुए पूरा इस पर अटैच कर देंगे। तो आप देख रहे हैं वीडियो में बराबर में कैसे रखते हो अटैच करो। इसी तरीके से पूरा गले पे डिज़ाइन को अटैच करना है। तो मैंने पूरा कम्प्लीटली गले पे डिज़ाइन को अटैच कर दिया। अब इस पर पाइपिंग करना है। तो इसको साइड रखेंगे डिज़ाइन को। पाइपिंग करने के लिए मैंने देखिए पट्टी कट की स्ट्रेचेबल है, क्रॉस पे कटिंग किया था। इसको डबल फोल्ड करेंगे, उसके साइड से सिलाई लगाते हैं, इसको पूरा अच्छे तरीके से स्टिच कर देंगे। तो स्टिचिंग कर दी है पट्टी की, इसको साइड रखने के बाद डिज़ाइन लेंगे और डिज़ाइन के ऊपर से सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर देंगे पट्टी को पूरा।
कि मैंने कम्प्लीटली इसकी पूरा अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर दी है। पट्टी को राउंड करते हुए पतली सी पाइपिंग बनाएंगे, सिलाई लगाएंगे, पाइपिंग को स्टिच करेंगे इस पर। तो देख लीजिए पाइपिंग को कैसे मैं स्टिच कर, इसी तरीके से पूरी स्टिचिंग पाइपिंग की कर लीजिएगा। तो कम्प्लीटली ऐसे पूरा बना दीजिएगा। अभी जो डिज़ाइन है इसको साइड रखेंगे और एक पट्टी लेंगे। इस पट्टी की चौड़ाई रखी है 1.5 इंच है। अब इसको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और बीच में इसके बराबर में फोल्डिंग करते हुए सिलाई लगाते हुए पट्टी को पूरा स्टिच करेंगे। तो एक साइड से बराबर करते हुए पूरा इसको अटैच कर देंगे दोनों पार्ट्स को ऐसे स्टिचिंग करते हुए। जी देखिए एक साइड से सिलाई पूरा लगा दिया, दूसरे साइड से भी इसकी एक सिलाई लगा देंगे। अब ये डिज़ाइन बन चुकी है। इसका डिज़ाइन बनाने के लिए कटिंग करेंगे पट्टी का। तो मैं 1.7 इंच के अकॉर्डिंग इसमें बराबर में मार्किंग ले रही हूँ। इसी बराबर में पूरा फोल्ड कर दी, इसको कटिंग करके अलग अलग कर देंगे सबको। तो मैंने दोनों साइड से कट करके अलग अलग रख दिया पट्टियों को। अब इसको जो है साइड रखेंगे और डिज़ाइन ले लेंगे। डिज़ाइन के ऊपर से इसको अटैच करेंगे। तो जो पट्टी मैंने अभी बनाई हुई है इसको लूप्स बनाना है। तो पहले एक पट्टी लेंगे, इसको डबल फोल्ड करेंगे और पाइपिंग के नीचे के साइड से रखते हुए पूरे गले पर अटैच करेंगे। देख रहे हैं बीच में मैं गैपिंग भी रख रही हूँ। इसी तरीके से गैपिंग रखते हुए पूरे गले पर आपको लूप्स को अटैच करना है। तो कम्प्लीटली ये लूप्स बना दिए हैं पूरे गले पर, इसको साइड रखेंगे। अब इसकी डेकोरेशन थोड़ा सा करेंगे। तो ये लेस मैंने ले लिया, लेस को बिल्कुल पाइपिंग के जस्ट बगल से ही लगाना है। पूरे गले पे इसी तरीके से स्टिच कर देंगे। तो गले पे मैंने पूरा अच्छे से लेस को स्टिच कर लिया है। अब इसके लूप्स जो बनाए इसकी डेकोरेशन करनी है। तो इसको साइड रखेंगे और ये दो फैब्रिक स्क्वायर में कट के इनको इस तरीके से क्रॉसिंग में फोल्ड करनी है। बस इसके नीचे के साइड से ये लेस को बराबर रखते हुए अटैच कर देंगे पूरा। ऐसे दोनों पे लगा लेंगे लेस को पूरा अच्छे से। अब ये मेरे दोनों डिज़ाइन बन चुके हैं। इसके साथ में डोरी लेंगे। तो डोरी मैंने ये ले लिया, डोरी के दोनों कॉर्नर से इनको फ्लावर्स को अटैच कर देंगे। तो एक फ्लावर मैंने स्टिच कर दिया, इसको पलट कर सीधा करेंगे। ऐसे दूसरा भी सेम बना के मैंने पूरा अच्छे तरीके से डोरी पे स्टिच कर लीजिएगा। अब इन दोनों को साइड रखते हुए डिज़ाइन लेंगे और डिज़ाइन के बीच से बिल्कुल दोनों साइड से इस तरीके से डोरी को डाल देंगे। एक साइड से डाल दिए, दूसरी साइड से भी इसी तरीके से डाल देते हैं डोरी को और बीच में इसके बांध लेंगे डिज़ाइन में। तो मैंने देखिए अच्छे से इसको पूरा बांध दिया बीच में। अब इसको साइड रखते हुए डिज़ाइन को ब्लाउज लेंगे। ब्लाउज के साथ में डिज़ाइन को प्रॉपरली बराबर रखते हुए पूरे गले पे अटैच कर देंगे। तो क्लियर देख लीजिए मैं गले पे कैसे अटैच कर रही हूँ, बराबर रखते हुए ऐसे कर दीजिएगा। तो देख लीजिए कम्प्लीटली मैंने डिज़ाइन को अच्छे से गले पे स्टिच कर दिया है। न्यूज़पेपर को पूरा रिमूव कर दीजिएगा। जो मैंने ये ऊपर की साइड डिज़ाइन छोड़ रखी है, अब इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो लेस लेते हैं और लेस को दोनों साइड से ऊपर के अटैच करेंगे। तो क्लियर वीडियो में देख लीजिए मैंने ये लेस ले लिया। लेस को यहाँ से बराबर रखेंगे और थोड़ा सा डिज़ाइन के पास से फोल्ड करते हुए फिर स्टिच करेंगे। तो मैंने लेस लगा दी, दूसरी साइड से भी ऐसे लेस को स्टिच करेंगे। तो दूसरी साइड से भी लेस से मैंने लगा लिया है। अब इसकी डेकोरेशन करने के लिए बड़ी वाली गोल्डन कलर की मोती ले ली है। जितनी भी डिज़ाइन बनाए सभी के ऊपर से एक एक मोती लगाते हो, इसको पूरा हम अच्छे तरीके से डेकोरेट कर देंगे। तो ऐसे मैं पूरे डिज़ाइन पे लगाऊंगी मोती। तो कम्प्लीटली ब्लाउज की डेकोरेशन हो चुकी है। मेरी ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कम्प्लीट है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन साथ, जो ऐसे ब्यूटीफुल और सिंपल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।